अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन कटलेट बनाना सीखेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मटन का कीमा हमें लेना है। उसमें हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 5 से 6 मैंने ली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। हरा धनिया के पत्ते लेना है आधा कप, और हमें आधा कप पुदीना के पत्ते लेना है। और इसके लिए हम ब्रेड के स्लाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 5 ब्रेड को हल्के पानी में डुबो के रखी थी। ये देखिए, इस तरह से उसके पानी हमें निकाल लेना है, एक्स्ट्रा पानी दबा के, और कीमे में ये 5ों ब्रेड को मिला लेना है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधा टी स्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टी स्पून जीरा पाउडर का इस्तेमाल करना है हमें इसमें, और 2 टी स्पून धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे तेज़ और चटपटा बना सकते हैं। मैं इसमें 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची हमें इसमें डालना है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो मैं 1 टी स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब चीज़ डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेना है कि सारा कीमा और मसाला एकदम अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से हमें इसे मिलाना है, और मिलाकर हम इसमें कोयले का भगार देंगे ताकि इसमें जो बावर्ची लोगों के कटलेट में खुशबू आती है उसी तरह की खुशबू आए। तो ये देखिए, मैंने कोयले को रख दी थी गरम होने के लिए। यहाँ कोयला अच्छे से गरम हो गया है। हम इसमें तेल डालकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए चटनी बनाएंगे कटलेट खाने के लिए। तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 7 से 8 लहसुन, आधा टी स्पून नींबू का रस, हरा धनिया टेस्ट के हिसाब से डालना है, और हरी मिर्ची भी हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैंने 2 डाली हूँ। ये देखिए, हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमारा कबाब भी यानी कटलेट भी तैयार है। ये देखिए, कटलेट को हमें इस तरह से चपटा, एकदम ही बड़ा भी नहीं और एकदम छोटा भी नहीं, इस तरह से बनाना है। पहले हम गोल बनाएंगे, फिर उसे हथेली की मदद से चपटा कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे अच्छी तरह से लगा कर इसे हम एक जगह साइड में रखते चले जाएंगे। अब हम 2 अंडा लेंगे, और यहाँ मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून दूध का भी इस्तेमाल करी थी अंडे में। उससे डालने से हमारा जो अंडे का बैटर है वो थोड़ा पतला हो जाता है, जो कटलेट में बहुत आसानी से लगता है। ये देखिए, फ्राई पैन में तेल मैंने गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब हमें इसे फ्राई करना है, वो भी स्लो फ्लेम पे। इसे हम फास्ट फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से, इसलिए हमें इसे स्लो गैस पे ही फ्राई करना है। जब एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप अक्सर शादियों में स्टार्टर की तरह ये खानों में दिया जाता है। ये देखिए, ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी।